तो कैसे हो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स में भी हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे अबाउट इक्वी जॉइंट, नेचुरल जॉइंट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम सीधे जंप करते हैं हमारी थ्योरी पे। तो देखो, फर्स्ट जॉइन क्या होता है? अ जॉइन इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। तो आप एक इंटीग्रेटेड रिजल्ट लगाओगे बाय ज्वाइनिंग मोर देन टू टेबल्स और टू टेबल्स। ठीक है, इन जॉइन क्वेरी मोर देन वन टेबल्स आर लिस्टेड फॉर इन फ्रॉम क्लॉज। हाँ, तो मुझे जितने टेबल्स ज्वाइन करवाना चाहता हूँ मैं, उनको मैं फ्रॉम्स में सेपरेटेड बाय कॉमा लिखता रहूंगा और वो ज्वाइन होके एक इंटीग्रेटेड रिजल्ट मुझे दे देंगे। नेक्स्ट, टेबल एलियास का होता। हमने कॉलम एलियास पढ़ा था जिसमें एक टेम्पररी नेम देना होता था हमें टू अ पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, ऐसे टेबल एलियास भी क्या है, वही तो है। ऐसे एक टेम्पररी नेम देना टू अ पर्टिकुलर टेबल। अब क्या लिखा, टेबल एलियास इज अ टेम्पररी लेबल गिवन अलोंग विद द टेबल नेम इन फ्रॉम क्लॉज, ताकि मुझे वो छोटा नाम यूज करना पड़े जब मुझे ज्वाइन करना हो। ठीक है, अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स इज अ टेबल ऑब्टेन्ड बाय पेयरिंग ईच रो ऑफ वन टेबल विद ईच रो ऑफ द अदर। मतलब कि एक टेबल की रो जो कि टेबल ए है सपोज करो, वो पेयर होगी टेबल बी की सारी रो से इक्विवेलेंटली। अगर ए में पहली रो है और बी में तीन रोज हैं, तो पहली रो ए की बी की पहली रो से भी होगी इंटीग्रेट, बी की दूसरी रो से भी होगी इंटीग्रेट, एंड सी बी की तीसरी रो से भी इंटीग्रेट होगी। ठीक है, अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स कंटेन्स ऑल द कॉलम्स ऑफ बोथ टेबल्स। ठीक है, अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स कंटेन ऑल द कॉलम्स ऑफ बोथ टेबल। सारे के सारे कॉलम्स आपके विजुअलाइज होंगे आपके टेबल में, जो आपका एक इंटीग्रेटेड रिजल्ट आएगा। जैसे इस इमेज को एज एन एग्जाम्पल समझो, जैसे ये रॉम्बस इस स्टार से भी इंटीग्रेट होगा, इससे भी इंटीग्रेट होगा, इस सर्कल से भी इंटीग्रेट होगा, एंड इससे भी होगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखें, ये मेरा एक टेबल है ईएमपी नाम का, जिसमें सर्टेन रोज है, एंड ये स्कूल नाम का मेरा टेबल है, सॉरी डेप नाम का मेरा टेबल है जिसमें पर्टिकुलर रूल है। अब मैंने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्वेरी लिख ली, तो अब इसका रिजल्ट देखना। ये इतना बड़ा सा रिजल्ट आया, इसको हम देखते कैसे। जैसे मैंने बोला था 101 प्रवीण की ये पूरी लाइन इंटीग्रेट होगी, इससे भी, बीस से भी, तीस से भी, 40 से भी। क्या ये हो रही है? हम चेक करते हैं, हो रही होगी पक्का। जैसे देखो, ये इंटीग्रेट हो रही है, 10 10 से हो रहा है, 10 अगेन देखो 20 से भी हो रहा है, एंड ये जो प्रवीण वाली लाइन है देखो सबसे इंटीग्रेट हो रही है। तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ, ये लाइन जो है इन चारों से हुई ऐसी, ये वाली लाइन इन चारों से हुई ऐसी, ये वाली लाइन इन चारों से हुई, और ये सवाल चलता जा रहा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सर इतना ही होता है। तो ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम ओवर करते हैं टू अबाउट इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन सुन के क्या लग रहा है? इक्वालिटी कुछ है ना, इक्वालिटी कुछ। तो क्या होगी इक्वी जॉइन की? इक्वी जॉइन ऑफ टू टेबल्स इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एन इक्वालिटी कंडीशन ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट में, थोड़ा सा और चेंजेस करके या क्वेरी को एक्सपैंड करके मेरा इक्वी जॉइन निकलेगा। ठीक है, दिस इक्वालिटी कंडीशन इज पुट ऑन द कॉमन कॉलम ऑफ द टेबल्स। अच्छा, जो भी कॉलम कॉमन होंगे इन बोथ द टेबल्स, उसी के थ्रू मैं इक्वी ज्वाइन कर सकता हूँ। ऐसे ही रैंडमली मैं कभी भी इक्वी ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, दिस कॉमन कॉलम इज जनरली अ प्राइमरी की ओपन टेबल एंड फॉरेन की ऑफ द अदर। ये भी सिंपल है। तो इक्वी ज्वाइन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं इक्वी ज्वाइन। देखो प्रैक्टिकली अब क्या लिखूं, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो वही आएगी आगे। अब इसमें टेबल एलियास भी दे दो आप, क्यों, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने डी दे दिया इसका एक स्मॉल नेम, ऐसी ईएमपी में मैंने दे दिया एक टेम्परेरी नेम ए। अब ई को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे मुझे चेक करना होगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉलम है जो कॉमन है। तो मुझे देख गया डी नंबर, देखो डी नंबर यहाँ पे भी है, डी नंबर यहाँ पे भी, इसी के थ्रू मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब क्या लिखूंगा यार, डी डॉट डी नंबर
इज इक्वल्स टू ई डॉट वी नंबर। आपकी इक्वी ज्वाइन कमांड यहीं पे खत्म होती है, इतनी सी ही है। अब देखना है, अब पता है रोज कौन सी हट जाएंगी जो मैचिंग नहीं हो रही होंगी। जैसे ये 10 इसके साथ है ना, 10 ये परचेज वाली लेना देगी। अब ये वाला 10 क्या इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं, ना इसके साथ, नहीं ना इसके साथ, नहीं। तो जो जो सेम सेम होंगे ना मेरे, वो इक्वेशन करके आ जाएंगे। तो इस पर से भी और छोटा टेबल बन के आ जाएगा मेरा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ओहो, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। डी नंबर है, डॉन नहीं है, डी एन। तो देखो अब कैसे हुआ यहाँ पे, हम समझते हैं। जैसे देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 था, ये 10 वाली परचेज वाली लाइन आ गई। जैसे 10 परचेज 101 प्रवीण, ये समथिंग समथिंग थी 89। अब इसका एम 10 आ गया। और हमने क्या करा, 20 सेल्स, ये पूरी लाइन इससे इंटीग्रेट हो गई है। जैसे यहाँ पे हम मैनुअली निकाल के देखते हैं, 101 के प्रवीण 10 परचेज के साथ आ गए। क्या ही हो रहा, हाँ 101 नवीन 10 परचेज के साथ आ गया। ठीक है, 10 परचेज के साथ आ गया। नेक्स्ट हमने और क्या देखा, 102 सुशील जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, क्या वो उसके साथ आएगा? आएगा। देखो 102 सुशील 20 सेल्स के साथ आ गया, जो उसने आना था इक्विट। अब जो इक्वल हो रहे डिपार्टमेंट नंबर, बस वही आ रहे हैं, नॉन इक्वल वाली चीज नहीं आ रही। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का थोड़ा सा मैंने फिल्ट्रेशन कर दी। तो आई होप आपको ये भी नेचुरल ज्वाइन, सॉरी इक्वी ज्वाइन में समझ आया होगा। इक्वी ज्वाइन की थ्योरी भी लर्न करने में कई बार पूछी जाती है। अब लास्ट पे आते हैं, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। द एसक्यूएल नेचुरल ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ये इसका टाइप ही है, काइंड ऑफ। ठीक है, ये भी चीज हमें समझ आई। ये एक इक्वी ज्वाइन का टाइप है। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं, पहले तो थ्योरी को और अच्छे से पढ़ते हैं। इज अ टाइप ऑफ इक्विजाइन एंड इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट कॉलम्स विद द सेम नेम ऑफ एसोसिएटेड टेबल्स विल अपीयर ओनली वंस। तो ये ओवर फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे हमारे नेचुरल ज्वाइन में क्या दिक्कत आ रही है, डी नंबर 2 बार आ रहा है ना, तो ये इसको फिल्टर आउट करता है क्योंकि एक ही आया जी मेरा। रिपीटेटिव कॉलम्स मैं क्यों बार बार देखा हूं, ठीक है ना, एक कॉलम एक बार ही आ जाए तब भी तो काम चल जाएगा। ये भी तो मेरी जगह ही तो ले रहा है। उसको जगह को मैं फिल्टर करूंगा कैसे, बाय राइटिंग दिस क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएनपी कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे क्या कर देंगे, हम आगे हम लिखेंगे नेचुरल ज्वाइन की क्वेरी, जो कि होगी मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा ये नहीं होगी। मैं ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की लिख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन कर दो आप किसको, दूसरा टेबल मेरा कौन सा डिपार्टमेंट, ये हो जाएगा नेचुरल। देखो डी नंबर कौन कौन सा, एक तो रहेगा बट हाँ एक कॉलम जो मेरा एक्स्ट्रा था वो गया। देखो यहीं से देखो सारा डेटा सही है ना मेरा, कितने नंबर ऑफ रोज है ऊपर में, 10, इसमें भी 10 ही था। बस नेचुरल ज्वाइन ने मेरा काम क्या थोड़ा सा अच्छा कर दिया कि हाँ जो रिपीटेटिव कॉलम था उसको उसने एक में कर दिया, बस काम खत्म। तो थोड़ा सा श्रिंक कर दिया मेरा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।